तो कार के नए नए एडिशन में अपना इंटरेस्ट रखने वाले कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। बहुत अच्छी खबर क्या है, हुंडई ने अपना नया एडिशन लॉन्च किया है और नाम है वेन्यू। और सबसे बड़ी बात कि हिंदुस्तान में इसे लॉन्च किया है, हिंदुस्तान में इसका मैन्युफैक्चरिंग किया है। तो देश प्रेम की बात भी आपसे दूर नहीं होगी। अगर देश से प्रेम करते हैं तो हुंडई के इस मॉडल पर आप जरूर जाइएगा। और कैसी वैरायटी है, क्या क्या इसमें खासियत है, ये सारी बातें भी बताने के लिए हम आपको मिलवा रहे हैं अभी हुंडई के खास लोगों से। 1.0 लीटर का मतलब 1 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन दिया गया है, जो कि टर्बो चार्जर व्हीकल का एफिशिएंसी बढ़ाता है। तो ऑफ कोर्स एफिशिएंसी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। प्लस इसमें 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन है, ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन 7 स्पीड, जो कि इस सेगमेंट की कार में फर्स्ट टाइम है और ह्यूंडई में भी फर्स्ट टाइम है सर। अभी तक 7 स्पीड कार ह्यूंडई में नहीं थी, दिस इज फर्स्ट 7 स्पीड कार ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे एडवांस फीचर्स हैं जो फ्यूचरिस्टिक फीचर जिसे हम कहते हैं। एक ब्लू लिंक का बहुत अच्छा फीचर दिया गया है, जिसमें आप गाड़ी की रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसके मतलब रियल टाइम ट्रैकिंग करने के लिए आपको अलग से कोई कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें व्हीकल में आपको एम्बेडेड सिम दी जाएगी, eSIM जिसको हम कहते हैं, वो ऑलरेडी इनबिल्ट रहेगी इसमें। तो उसके थ्रू आप रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकते हैं। और उसके लिए आपको ब्लू लिंक का ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड करना होगा और फ़ोन के थ्रू सारे फीचर्स कवर अप करेंगे। सर ये एक एंटी थेफ्ट टेक्नोलॉजी है, इसमें बर्गलर अलार्म है। बेसिकली अगर हम देखें तो बर्गलर अलार्म दिया हुआ है। गाड़ी वैसे तो चोरी होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर गाड़ी कोई गलत तरीके से ओपन करने की कोशिश करेगा तो अलार्म साउंड करेगा और वो मतलब सभी लोग अवेयर हो जाएंगे कि हाँ गाड़ी से आवाज़ आ रही है, तो चोर भी होगा तो भाग जाएगा। लेकिन उस केस में भी चलो सपोज चोरी हो गई गाड़ी, तो इसमें इंजन व्हीकल इमोबिलाइजेशन सिस्टम दिया हुआ है। जहाँ पे गाड़ी ये रुकेगी उसके बाद गाड़ी इमोबिलाइज हो जाएगी बाय आवर डाटा सेंटर। ह्यूंडई का डाटा सेंटर इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। सर प्राइजेस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइजेस जो डीजल में टॉप एंड मॉडल आ रहा है वो अपना है 12,56,000 का ऑन रोड कॉस्टिंग, ऑन रोड कॉस्टिंग। और अगर मैं DCT की बात करूँ ऑटोमेटिक की, जो कि पेट्रोल में 1.0 लीटर के इंजन में है, तो उसका ऑन रोड कॉस्टिंग है 12,19,000 रुपये सर। तो काफ़ी अग्रेसिव प्राइस है, क्योंकि इस प्राइस में ये फीचर्स मेरे हिसाब से कभी किसी ब्रांड में नहीं है। सनरूफ सर, इलेक्ट्रिक सनरूफ दिया हुआ है इसमें, तो ऑफकोर्स इस सेगमेंट की बहुत अच्छा बेस्ट प्राइस है। और प्लस दूसरी चीज़ ये है कि इसमें 2 वेरियंट में सनरूफ है सर, टॉप एंड में भी है और सेकेंड टॉप में भी है। तो अगर सपोज कोई ऐसा है व्यक्ति जो सब टॉप एंड नहीं लेना चाह रहा है और सिर्फ सनरूफ की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बच्चों का एक पसंदीदा एक फीचर होता है वो, तो आप सेकंड टॉप भी ले सकते हैं। एवरेज सर अगर हम देखें तो 1.0 लीटर से काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, वो एवरेज बहुत एफिशिएंसी रहेगा। अगर क्लेम की बात करें तो अराउंड 19 से 20 का क्लेम है इसका, और प्रैक्टिकली आप मान के चलो तो 16-17 गाड़ी आपको एवरेज देगी। तो ये थी नेहा जी जो बता रही थी वेन्यू मॉडल जो हुंडई ने लॉन्च किया है। नेहा जी एक चीज़ और, क्या इसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में? जी सर, और वर्ल्ड लेवल पे भी लॉन्च हो चुकी है और इंडिया में भी लॉन्च हुई है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में। पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो इंडिया की है, यानी देश प्रेम वाली अगर बात है तो आप इस गाड़ी पर जा सकते हैं, इसके सेगमेंट पर जा सकते हैं। चोरी होने की कोई गुंजाइश इस गाड़ी में नहीं है। दूसरा, घर में बैठे बैठे मोबाइल से कनेक्टिविटी रहेगी इस गाड़ी की, इस मॉडल की। और पेट्रोल वेरिएंट में भी है, डीजल वेरिएंट में भी है। इस वेरिएंट में इंडिया के लोगों के लिए ये बहुत अच्छा व्हीकल है। तो अब आपको करना है फैसला कि इस गाड़ी को लिया जाए या नहीं लिया जाए। तो आइए कुछ ऐसे कस्टमर से बात करते हैं जिन्हें ये गाड़ी दिल से भा गई है और वो तैयार हैं इस गाड़ी की चाबी हाथ में लेने के लिए। कैसी लगी उन्हें गाड़ी, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संजय सोलंकी। क्या कहते हैं, कैसी लगी आपको? कल लॉन्च हुई थी, मैंने उज्जैन में देखी थी इस गाड़ी को लॉन्चिंग के टाइम, और मैं बच्चों को भोपाल लेने के लिए गया था, तो वहाँ से आया हूँ, तो मुझे जो है ये गाड़ी बहुत पसंद आ गई, तो बच्चों को भी दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं उनको लेके आया। इस गाड़ी में मैंने देखा कि जो अन्य गाड़ियाँ जो मिनी XUV में है, जो है काफ़ी जो है फीचर्स है इसमें, जो अन्य गाड़ियों की तुलना में जो कीमत भी जो रखी है, वो जो है आम व्यक्ति जो लेना प्लानिंग कर रहा था उसको जो है पहुंच में है ये गाड़ी, और काफ़ी जो है इसमें फीचर्स है, तो जो है अच्छी लगी मुझे ये गाड़ी। मैं काफ़ी दिनों से प्लानिंग कर रहा था, खूब सारी गाड़ियां देखी मैंने, क्रेटा भी मैं सोची थी, ब्रीजा भी सोची थी, फिर XUV 300 भी देखी, लेकिन उन सब में मुझे बेहतर लगी, उन सारी फीचर्स अच्छी लगी। जी हाँ, इन्हें बेहतर लगी। और आपको ये गाड़ी कैसी लगी? जी मुझे भी बहुत अच्छी लगी, हम इसे लेने के लिए रेडी हैं हम लोग। जी सर, मैंने ये गाड़ी 10 तारीख से ही बुक कर रखी है,
और बेसिकली मैं एक SUV पहले ड्राइव कर रहा हूँ, ब्रीजा, बट चूंकि हुंडई मोटर्स के लग्जरी एज वेल एज जो गाड़ी में फीचर्स होते हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इस सेगमेंट पे जाने के मेरे घर में ऑलरेडी हुंडई मोटर्स की दो व्हीकल्स हैं, तो हुंडई का हमेशा जो फेथ डेवलप है वो कंटिन्यू है, इसीलिए इस गाड़ी को लेने की मूड बना। प्राइस इज कम्पेटिटिव टू अदर ब्रांड्स, जैसे अगर दूसरे ब्रांड्स हैं उस हिसाब से ही प्राइस है, बट फीचर का कंपैरिजन करा जाए तो फीचर इसमें उन सबसे बहुत अधिक है। ब्लू लिंक अपने आप में एक बहुत बड़ा फीचर जो लेकर आए हैं वो सबसे बड़ा फीचर है, जिससे बहुत सारे ऑपरेशंस आप घर बैठे कर सकते हैं, ट्रैकिंग हो जाएगी, आपके ड्राइवर को आप गाड़ी दे रहे हैं तो ट्रैक कर सकते हैं, आपको AC ऑन करना है तो आप 10 मिनट पहले AC ऑन करें गाड़ी में बैठने के पहले। सनरूफ आ रही है, इस सेगमेंट में सनरूफ पहली बार आई है, क्योंकि अगर 12 लाख की गाड़ी में आप सनरूफ अपेक्षा कर रहे हैं तो इसमें वो मिलेगी। ये जो गाड़ी इन्होंने हुंडई ने लॉन्च करी है वेन्यू, ये हुंडई की जो एक्सपीरियंस इस गाड़ी से है, और कहीं ना कहीं हुंडई की गाड़ी आपने देखा होगा कि फीचर्स पैक गाड़ियाँ रहती हैं, इसमें जो ये टेक्नोलॉजी दे रहे हैं ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी, आज की डेट में सेगमेंट के अंदर कोई भी कंपनी ये फीचर्स नहीं दे रही और इस प्राइस रेंज के अंदर नहीं दे रही, और हुंडई का भी ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है कि ये फीचर्स कस्टमर को कितने क्लिक कर पाते हैं, और हमें जिस हिसाब से लगता है कि मार्केट जितना आज की डेट में डिजिटल होते जा रहा है, लोग फीचर्स वाली गाड़ियाँ पसंद करते हैं, तो ये गाड़ियाँ हमें लगता है कि बहुत जबरदस्त इसको रिस्पॉन्स मिलेगा, और अभी मिला भी है। हम लोग मोस्टली अगर आप देखें तो कल तक मैं खुद करीब 50+ बुकिंग पे हूँ, और जिस हिसाब से कल हमारा लॉन्च था और जिस हिसाब से कल रिस्पॉन्स मिला है कस्टमर्स का, हमें कल हमारे पास कम से कम नहीं है 400 कस्टमर्स वॉकिंग थे लॉन्च के टाइम में, और गाड़ी काफ़ी पसंद की गई, जो इसमें कुछ फीचर्स दिए हैं। नॉर्मली अगर आप देखें तो आप अपना मोबाइल, आपकी गाड़ी की चाबी है, मोबाइल ही आपका सब कुछ है, आप US में भी अगर कहीं बैठे हैं तो अपनी गाड़ी वहाँ से आप इंजन ऑन ऑफ कर सकते हैं, आपका AC स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ 33 फीचर्स कुछ दिए हुए हैं ब्लू लिंक के अंदर, उसमें काफ़ी कुछ बहुत फीचर्स हैं, और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हम ही सोच भी नहीं सकते गाड़ी ऐसा पॉसिबल होगा। फॉर एग्जांपल, माना मुझे घर से निकलना है, गाड़ी बाहर धूप में खड़ी है, और मुझे लगता है, आप मानते हैं कि गाड़ी जैसी अगर हम गाड़ी में बैठते हैं तो नॉर्मली गर्मी एकदम लगती है और 15-20 मिनट तक AC भी एकदम चल नहीं हो पाता, तो इसमें फीचर्स दिया, मोबाइल से आप अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं अंदर बैठ के, उसका एक ऐप रहेगा जो ऐप इसमें आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसमें लिंक डायरेक्ट उसके सैटेलाइट के थ्रू वो रहेगा, तो आप, और उसमें पिन कोड जो भी एक हमारा प्रोसेस है वो हम कस्टमर को ब्रीफ करते हैं उस टाइम डिलीवरी से एक दिन पहले, तो अगर मैं बैठा हूँ गाड़ी के अंदर, मुझे लग रहा है 10 मिनट बाद मुझे निकलना है, तो गाड़ी से मैं गाड़ी स्टार्ट कर सकता हूँ, प्लस AC भी स्टार्ट हो जाएगा, तो 10 मिनट आप स्टार्ट रखें, मैं गया तो गाड़ी मोबाइल से गाड़ी आपकी ऑपरेट होगी। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इस गाड़ी को बहुत थोड़ा यूनिक बनाते हैं दूसरे मॉडल से। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।